तो और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सभी, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्री फायर अपने जो इंडियन सर्वर है उसमें बैन हो गया है या नहीं हुआ है, या फिर आप फ्री फायर खेल सकते हो या नहीं खेल सकते, या फिर आपका जो प्ले स्टोर है उसमें फ्री फायर क्यों अवेलेबल नहीं है, या फिर आईफोन अगर आप खेलते हो आईफोन में तो आईफोन में भी आपको फ्री फायर देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे देखो ए से लेकर जेड तक आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे दूंगा, लेकिन तुम सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और मेरे भाई आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपका गेम लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप उसे लॉगिन किस तरीके से कर सकते हो, उसके साथ ही अगर आपका प्ले स्टोर पर गेम अवेलेबल नहीं है तो आप उसे डाउनलोड किस तरीके से कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अपने इंडियन सर्वर में फ्री फायर बैन हुआ है या नहीं। तो मेरे देखो इस बात का सीधा सा जवाब यह है कि अपने इंडियन सर्वर में फ्री फायर बैन नहीं हुआ है, क्योंकि गाइस अगर बैन होता तो अपने न्यूज़ चैनल होते हैं, जैसे गाइस किसी भी न्यूज़ चैनल को देख लो उन सभी जगह आपको एक ही न्यूज़ दिखाई देती कि फ्री फायर इंडियन सर्वर में बैन हो गया है, क्योंकि गाइस इंडियन सर्वर में फ्री फायर एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और शायद इसके मिलियन में डाउनलोड है। तो गाइस मिलियन में डाउनलोड का मतलब तुम समझते हो बहुत ज़्यादा। तो गाइस फ्री फायर इंडियन सर्वर में बैन नहीं हुआ है। तो गाइस अभी मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप अपना फ्री फायर गेम लॉग इन नहीं कर पा रहे हो तो गाइस इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो गाइस इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अगर आपके पास जियो का नेटवर्क है तो गाइस आप इजीली तरीके से गेम को ओपन कर सकते हो, लेकिन गाइस अगर आपके पास अदर सिम की नेटवर्क है जैसे कि एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, तो आप गेम को लॉग इन नहीं कर सकते। लेकिन गाइस आप जियो में ही लॉग इन क्यों कर सकते हो? तो गाइस जियो जो कंपनी है वो मेन कंपनी है, तो गाइस इसलिए जियो में बैन नहीं हुआ है। तो चलो गाइस अभी हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ्री फायर को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर गाइस आप अपने मोबाइल में किस तरीके से गेम को ओपन करके खेल सकते हो। लेकिन गाइस तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि यार 400 के फैमिली के हम बहुत ज्यादा करीब है, और गाइस मैं आपको ए से लेकर जेड तक सब कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपको सच सच बताता हूँ कि फ्री फायर के अंदर ये होने वाला है, ये इवेंट आने वाला है, रिडीम कोड ये आने वाला है। तो जब आपको मैं ए से लेकर जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ तो यार थोड़ा सा काम आपका भी बनता है कि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट है वो दिखाओ। तो यार देखो छोटा भाई समझ के नीचे साइड जो आपका रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस जरूर शुरू कर देना। तो चलो अभी हम बात करने वाले हैं कि जब फ्री फायर इंडियन सर्वर में बैन नहीं हुआ है तो प्ले स्टोर से ये क्यों हटा दिया गया है। तो भाई प्ले स्टोर से एक बार नहीं, ठीक है, इससे भी पहले कई बार फ्री फायर प्ले स्टोर से हट चुका है, और भाई इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि भाई कई कई बार सर्वर मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, तो भाई वो प्ले स्टोर से ऑटोमेटिक हट जाता है। तो इतना ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ इशू है नहीं, ये आपको वापस से प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। तो चलो भाई अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका गेम ओपन नहीं हो रहा है तो आप उसे ओपन किस तरीके से कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने आपको बोल रहा था कि आपका जियो की सिम है तो उसमें आपका इजीली तरीके से लॉगिन हो जाएगा, लेकिन भाई अगर आपका दूसरा सिम है जैसे भाई आपका एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, तो आप उसमें लॉगिन किस तरीके से कर सकते हो? तो भाई आपको सिंपली छोटा सा काम करना है, अपना हॉटस्पॉट ओपन करना है, हॉटस्पॉट ओपन करके यानी कहीं दूसरे मोबाइल में हॉटस्पॉट ओपन करना है, और जिस मोबाइल में आप गेम खेल रहे हो उसमें वाईफाई चालू करके आप इजीली तरीके से गेम है वो कर सकते हो या फिर खेल सकते हो। तो चलो भाई अभी हम बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट की। तो भाई सेकंड पॉइंट है कि अगर आपने मान के चलो गलती से फ्री फायर अनइंस्टॉल कर दिया है, फिर आपका फ्री फायर गलती से डिलीट हो गया तो आप उसे वापस किस तरीके से खेल सकते हो? तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, अगर आप गैरेना फ्री फायर खेलते हो तो वहां पर गैरेना फ्री फायर लिख देना है, अगर आप गैरेना फ्री फायर मैक्स खेलते हो तो आपको वहां पर मैक्स करके सर्च कर देना है, तो वापस से आप गेम को इंस्टॉल करके खेल सकते हो। तो यहां पर जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बता दिया, और अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी कोई रह गई हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको एक कमेंट कर देना जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, तो भाई उसके ऊपर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। और मेरे भाई तुम सभी से वापस से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। भाई आप लोग चाहो तो मेरे से इंस्टाग्राम पर पर्सनली डीएम करके या फिर मैसेज करके भी पूछ सकते हो कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर दोनों जगह पिन कर रखी है। भाई आपके जितने भी दोस्त हैं अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो भाई आपको सिंपली कुछ नहीं करना, उनको बोलना खूनी गेमर्स ने आज अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बना के डाली है, पर आप यहाँ से लिंक कॉपी करके उनको शेयर कर सकते हो। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और गाइस हो सके तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से जरूर प्रेस कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय।